Hello, I'm Vinadarashtri. Today we are reading A Legend of the Northland. Northland, Uttri Dhruv. Uttri Dhruv की एक पौराणिक कहानी. पौराणिक कहानी या यूँ कह सकते हैं कि दंत कथा, जिसको अपन लिखित में कहीं मिले नहीं मिले, आगे से आगे पीढ़ियों में सुनाई जाती है और बरसों से ये कहानियाँ चलती है. तो पौराणिक कहानी या दंत कथा, इस दंत कथा को कविता के द्वारा कहा गया है. दिस पोइम नरेट्स द लेजेंड. ये जो पोइम है ये वर्णन करती है, नरेट करती है द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक बुढ़ी महिला या पुरानी जो है महिला की एक कहानी है. हु वो ओल्ड लेडी है जिसने कि एंगर्ड, गुस्सा दिलवा दिया सेंट पीटर को, संत पीटर को, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, उसके लालच की वजह से. यानी कि वह बुढ़ी जो औरत थी जो इतनी ग्रीड थी, इतनी लालच करती थी, ग्रीड करती थी कि उससे सेंट पीटर को एंगर आ गया, गुस्सा आ गया. अब इस कविता में हम पढ़ते हैं आगे, कहानी को कविता के द्वारा बताया गया है. Start. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब ये चार लाइनें हैं. Away, away in the Northland, away, away, बहुत दूर यहाँ से. जब दो बार दूर दूर कहा गया मतलब बहुत दूर. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, उत्तरी ध्रुव तक. यहाँ से उत्तरी ध्रुव कितना दूर है, तो इतनी दूर जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ लैंड है, वहाँ की ये कहानी है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो फ्यू होते हैं, न के बराबर है, बहुत कम. यानी कि जहाँ दिन बहुत कम समय के लिए होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दी के ऋतु में जहाँ पर रातें जो है बहुत लंबी होती है, दिन तो बहुत ही छोटे होते हैं, दिन के घंटे यानी कि दिन का टाइम बहुत छोटा है, और रातें इतनी लंबी कि दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वहाँ पर रहने वाले लोग पूरी रात्रि भर सो नहीं सकते इतना लंबा समय तक. वेयर दे, अगली चार लाइन, Where they harness the swift reindeer. पहली लाइन, Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. And the children look like bears cubs in their funny furry clothes. ये वापस चार लाइन हो गई है हरे कलर में. तो नॉर्थ लैंड के बारे में बताया गया है कि वेयर, जहाँ पर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, वे क्या करते हैं, स्विफ्ट यानी कि तेज, और रेंडियर वहाँ का पशु का नाम है, जैसे अपने इधर गाड़ी में बैल वेल जोतते हैं, वैसे ही उत्तरी ध्रुव पर जो पशु पाया जाता है रेंडियर नाम है उसका, और वो रेंडियर को हार्नेस करते हैं, जैसे अपने गाड़ी में घोड़े को जोतते हैं वैसे ही वो वहाँ रेंडियर को सजाते हैं, जैसे घोड़े को सजाते हैं या गाड़ी में लगाते हैं जोतना, दोनों करते हैं. तो वे तेज, स्विफ्ट यानी तेज, वहाँ पर रेंडियर बहुत तेज़ी से चलता है, तो रेंडियर को वो हार्नेस करते हैं वहाँ के लोग, कहाँ पर करते हैं, टू द स्लेज, स्लेज गाड़ी पर, वहाँ जो गाड़ी है उसका नाम है स्लेज, और स्लेज गाड़ी पर रेंडियर लगाते हैं, जैसे अपने बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, वैसे वहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर स्लेज गाड़ियाँ चलती है और रेंडियर उनको खींचते हैं, जो कि बहुत ही स्विफ्ट भागते हैं, तेज भागते हैं. और जो स्लेज है, व्हेन इट स्नोज, ये गाड़ियाँ कब चलती है, जब स्नोज होता है मतलब बर्फ गिरती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और उस समय सर्दियों में बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हो, कब हो, इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वो इतने फनी दिखने वाले और फर से बने हुए फर के कपड़े पहनते हैं, तो बच्चे एकदम उसमें जैसे भालू के बच्चे जैसे दिखने लग जाते हैं.
दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे लोग उन बच्चों को बहुत ही क्यूरियस एकदम जिज्ञासा टाइप जानने के लिए, जिसको अपन कहते हैं उतावले होना, अच्छी लगना, तो ऐसी वो कहानियाँ कहते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, यहाँ आई साइलेंट है, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इट इज़ ट्रू कि ये कहानी सही है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी यू मे लर्न ए लेसन, कहानी में भले ही मैं विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी आप इससे एक सबक जरूर सीख सकते हैं, लेसन सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, पर ये लेसन आप कब सीख सकते हैं, अगर मैं तुम्हें ये टेल बताता हूँ, यानी कि जब मैं तुम्हें ये कहानी अगर कहूँगा, टेल टी एल टेल है कहानी, और टी डबल एल टेल यानी कहना, तो जब मैं ये टेल आपको कहूँगा तो तुम लोग इसको एक लर्न जरूर करोगे, सबक सीखने को मिलेगा, अक्ल मिलेगी। वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि जब अच्छे वाले यानी बहुत ही अच्छे जो व्यक्ति है वो है संत पीटर, तो संत पीटर कहाँ रहते थे, इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे धरती पर रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और प्रीचिंग करते हुए, उपदेश देते हुए, लोगों को धार्मिक शिक्षाएं देते हुए वॉक करते थे, मतलब धरती पर घूमते रहते थे। जस्ट एज ही डिड, और जैसा कि वो करते थे, यू नो तुम जानते हो, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो वो ऐसे शिक्षाएं देते हुए घूमते घूमते एक कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, और यात्रा करते हुए, राउंड द अर्थ पूरी पृथ्वी की, यानी कि वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, ट्रेवलिंग करते हुए एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और वहाँ उस दरवाजे पर जब उन्होंने देखा तो एक छोटी महिला, ए लिटिल वुमन, यहाँ दूसरा अर्थ यह है कि निम्न सोच वाली या वृद्ध महिला जो है केक बना रही थी, यानी रोटियाँ बना रही थी, एंड बेकिंग, और उनको पका रही थी, सेक रही थी, ऑन द हार्थ यानी चूल्हे पर, सिगड़ी पर, अंगी पर। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और बीइंग यानी होने से, फेंट यानी मूर्छित जैसे, फास्टिंग यानी व्रत करने से, भूखे रहने से, तो संत पीटर का फास्ट हो रहा था, मतलब खाना नहीं खाया हुआ था काफ़ी टाइम से, उनके व्रत चल रहे थे, इसलिए उनको फेंट मतलब मूर्छा जैसी कंडीशन थी, अवस्था थी, मूर्छित जैसी, फेंट यानी चक्कर आना, भूख के मारे, कमजोरी के मारे ऐसे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन भी पूरा हो गया था, यानी कि दिन भी समाप्त होने वाला था घूमते घूमते। ही आस्क्ड हर, इसलिए सेंट पीटर ने उस लिटिल वुमन से, छोटे औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, आस्क मांगा उससे कि उसके जो स्टोर है अंदर, उसमें से उसको केक यानी रोटियां मांगी खाने के लिए। टू गिव ही मै सिंगल वन, और केवल उसमें से सिर्फ एक रोटी मांगी, रोटियों में से कि जो उसके स्टोर में रोटियां है उसमें से उसको एक रोटी सिंगल। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उस औरत ने एक बहुत ही छोटी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे उसने इसको सेकने के लिए रखा, बेकिंग के लिए, पकाने के लिए, सी लुक्ड एट इट, उसने उस रोटी की तरफ देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, और उसने सोचा, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू लार्ज टू गिव अवे, कि इतनी बड़ी है कि गिव अवे यानी दे देना, और टू का मतलब है टी ओ टू, मतलब नहीं, कि इतनी बड़ी है कि वो नहीं दे सकती, ये उसने सोचा। देयरफॉर, इसीलिए, सी नीडेड अनादर, उसने फिर नीड किया आटा गूंदा, अनादर दोबारा, एंड स्टील ए स्मॉलर वन, और उसने फिर दोबारा उससे और अधिक छोटी एक रोटी बनाई। इट लुक्ड, लेकिन ये दिखाई दी, व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उस रोटी को पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो ये रोटी जो है, केक जो है, उसको उतनी ही बड़ी दिखाई दी जितने की फर्स्ट हैड डन पहले वाली थी। Then she took a
टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। तब उसने एक छोटा सा टाइनी सा स्क्रैप यानी टुकड़ा सा ऑफ डो आटे का, गूंदे हुए आटे का लिया, टुक लिया एंड रोल इट फ्लैट, और फिर उसको बेलते बेलते उसको फ्लैट किया, समतल किया, चपटा किया एंड बेक्ड इट, और इसको सेंका थिन एज ए वेफर, और उसको ऐसा सेका जैसे पापड़ सेकते हैं, इतना पतला हो गया, फ्लैट हो गया, वेफर जैसा एकदम पतली होती। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उस वेफर जैसी पतली रोटी, पापड़ जैसी रोटी से भी वो पार्ट नहीं हो पाई, अलग नहीं हो पाई, यानी कि उससे वो रोटी भी अलग नहीं हुई, वो पापड़ जैसी पतली रोटी भी वो नहीं दे सकी। फॉर क्योंकि सी सेड, उसने कहा, माई केक्स मेरी रोटियाँ, दैट सीम टू स्मॉल, जो इतनी छोटी दिखती है, When I eat of them, जब मैं उनको खाती हूँ myself खुद, are yet too large, लेकिन ये फिर भी इतनी बड़ी दिखती है to give away, कि मैं दे नहीं सकती, यानी कि जब मैं खाती हूँ तब तो मेरे को बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर किसी को देना हो तो मेरे को ये बहुत ही बड़ी दिखती है। So she put them on the shelf, इसलिए उसने उस वेफर जैसी रोटी को भी अपने शेल्फ में, मतलब जिसमें अपन खाना रखते हैं उसमें रख दी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब जो अच्छे संत थे पीटर, वो एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे एंड फैंट और मूर्छित हो रहे थे। एंड श्योरली, निश्चित रूप से सच ए वुमन, इस प्रकार की कोई एक औरत, वॉज इनफ, जो पर्याप्त थी टू प्रोवोक ए सेंट, कि एक संत को प्रोवोक कर सके, गुस्सा दिला। एंड ही सेड, तब वो गुस्सा होकर के संत पीटर ने क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, इतनी ज़्यादा, टू का प्रयोग है कि इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि मानव के रूप में ड्वेल नहीं कर सकती, टी ओ टू टू यानी यहाँ पर है नहीं, ड्वेल यानी रहना, निवास करना, तो मानव के रूप में तुम नहीं रह सकती, इतनी अधिक स्वार्थी हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, दोनों ही चीज़ें, भोजन और आश्रय लेने के लिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग जो कि तुम्हें गर्म रख सके इसके लिए। नाउ अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम क्या करोगी, ऐसे करोगी जैसे कि बर्ड्स डू, पक्षी करते हैं, यानी कि अगर अब तुमको खाना हो, रहना हो, या आग चाहिए तो वो गर्मी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें किस रूप में मिलेगी, पक्षियों के रूप में, जैसे पक्षी प्राप्त करते हैं, बर्ड्स प्राप्त करते हैं वैसे। एंड शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड, और तुम अपना भोजन कैसे प्राप्त करोगी, बहुत ही स्कैंटी, अपर्याप्त रूप से, निम्नतम, अल्पतम, बहुत ही कम, नाम मात्र का, कि तुमको भोजन भी नाम मात्र का ही प्राप्त होगा, और वो भी कैसे होगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, वो भी तब होगा स्कैंटी फूड भी, जब तुम बोरिंग करोगी यानी खोदोगी, खुदाई करोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, वो खुदाई कहाँ करोगी बोरिंग, पूरे दिन कठोर सूखी लकड़ी में, यानी कि कठोर सूखी लकड़ी को तुम दिन भर बोरिंग करोगी, छेद करोगी उसमें, तब जाकर के तुमको स्केंटी मात्रा में नाम मात्र का भोजन मिलेगा, और अब बर्ड्स के रूप में तुम्हें रहना पड़ेगा, इंसान के रूप में रहने के तुम लायक नहीं हो। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वह ऊपर गई और चिमनी पर जाकर के बैठ गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोलते हुए। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, और बाहर ऊंचाई पर क्या उड़ा, एक कट फोड़वा उड़ा, लकड़ी काटने वाला पक्षी। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और क्यों, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उस पक्षी के सिर पर एक स्कारलेट कलर का गहरे लाल रंग की एक टोपी लगी थी।
एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो इसलिए सेम वैसी की वैसी छूट गई थी, बच्ची रह गई थी. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स, और बाकी के उसके जो कपड़े उसने पहन रखे थे वर बर्न, जल गए थे. ब्लैक एज ए कोल, और ऐसे हो गए थे जल करके एकदम कोल यानी कोयले जैसे, इन द फ्लेम लपटों में. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर, और हर देश में विद्यालय जाने वाले बच्चे ने हैज सीन, देखा है हर उसको इन द वुड जंगल में. वेयर सी लिव्स इन द ट्री, जहाँ वो पेड़ों के बीच में रहती है. टिल दिस वेरी डे, आज ही. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, लगातार छेद करते हुए भोजन के लिए. फॉएब केरी इसके राइटर हैं पोइम के. थैंक यू.